तो जो रास्ते का व्यू है वो है काफ़ी खूबसूरत। आप देखो सामने वाला पहाड़ कितना प्यारा है, नीचे यहाँ पर नदी बह रही है। तो हम लोग यहाँ पर आए थे, इंतजार कर रहे थे, और ये देखिए सामने वाटरफॉल, ये गाड़ी खड़ी हुई है, इधर सामने भी वाटरफॉल है, मतलब बेहतरीन नज़ारा है, बेहतरीन। आप अगर आप बोलोगे ना, ये देखिए ऊपर तक इतना प्यारा नज़ारा है ये। तो फ्रेंड्स, मैं आया था लखनऊ से दून एक्सप्रेस वे के योग नगरी ऋषिकेश, तो वहाँ से मैंने ब्लॉग बनाने, क्योंकि ये ट्रेन सामने मेरी खड़ी हुई है, इसी ट्रेन से मैं आया था। तो सुबह मॉर्निंग शाम को ये ट्रेन चली थी, करीब छः बजे चली थी, एक घंटा लेट थी तो 7 बजे चली, और राइट टाइम ट्रेन ने मेरे को सुबह 5:30 बजे उतार दिया ऋषिकेश। नाम इसका दून एक्सप्रेस है, लेकिन ये आती ऋषिकेश है, YNRK डायरेक्ट ऋषिकेश आती है, सुबह 5:30 बजे आपको छूटती है। अब इतने दिन से पहाड़ देखे नहीं मैंने, तो सामने का नज़ारा रेलवे स्टेशन से, क्योंकि ये भी काफ़ी खूबसूरत रेलवे स्टेशन है ऋषिकेश का, सामने यहाँ पहाड़ देख सकते हैं। मॉर्निंग में अभी करीब 6:15 हैं, तो फिलहाल आज की यात्रा शुरू करेंगे हम यहाँ से, बताएंगे आपको कुछ देर बाद कि हम कहाँ जा रहे हैं। फिलहाल मेरा फ्रेंड रुका हुआ है कहीं होटल पे, तो मैं वहाँ जाता हूँ और वहाँ जाके होता है फ्रेश, फिर करेंगे ब्लॉग कंटिन्यू उससे आगे। आप देख सकते हैं ये स्टेशन काफ़ी खूबसूरत है, ग्रीनरी से भरा हुआ और साफ़ सफाई बहुत अच्छी है। मेरे को पहले ब्लॉग बनाया तो मैंने कहा चलो कुछ देर का और बनाते हैं। इसका गेट आपको दिखाता हूँ, सामने का व्यू दिखाता हूँ, और बाहर से आपको ऑटो रिक्शा आराम से मिल जाएगा आपके डेस्टिनेशन के लिए। तो फिलहाल हम लोग रुके हैं तपोवन में, तो यहाँ पर अनुराग हमको मिल गया था, तो अनुराग का ने यहाँ रूम लिया हुआ था, तो हमने कहा कि इसी के रूम पर फैल जाएंगे हम लोग फ्रेश। और फिर यहाँ पीयूष भी आ गया था, ये वडोदरा से आ रहा है। सो गाइस, दिस इज आदि, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आदि व्लॉग्स। तो मैं आया था लखनऊ से ऋषिकेश बाय ट्रेन, तो फिलहाल हमारा यहाँ से है जाने का आज रांची विलेज, तो रांची विलेज हम लोग जा रहे हैं यहाँ से ऋषिकेश से। तो हम लोग तो पहले यहाँ से जाएंगे रुद्रप्रयाग बाय बस, फिर हमारा एक फ्रेंड हमको मिलेगा रुद्रप्रयाग में, तो फिर हम वहाँ से उसकी कार से जाएंगे। तो अभी हम लोग तपोवन में हैं, ये मेन बद्रीनाथ हाईवे है, यहाँ पर बहुत सारे होटल हैं, तो मोस्टली लोग तपोवन में रहते हैं, वहाँ से बस आ गई है, इसे रोकते हैं और हम लोग जाएंगे यहाँ से रुद्रप्रयाग। तो मिल गई है बस, पहली वाली बस जो आई थी वो पूरी भरी हुई थी, इसमें बैठने के लिए मिल गई है सीट। तो यहाँ पर बैठा हुआ है पीयूष, अनुराग पीछे बैठा हुआ है, तो हम यहाँ पर पायलट साहब के साथ बैठे हुए हैं, तो यहाँ से केबिन से व्यू भी अच्छा दिखाई देगा पूरा। तो हम लोग निकले हैं यहाँ से ऋषिकेश से रुद्रप्रयाग के लिए। अभी टिकट वाले ने टिकट नहीं लिया, तो मैं टिकट बताता हूँ कुछ देर बाद कि कितना टिकट उन्होंने लिया। तो हम ब्रेकफास्ट करने के रुके थे तीन धारा में, तीन धारा ये प्लेस है, यहाँ पे बहुत सारे रेस्टोरेंट हैं जहाँ पे लोग करते हैं ब्रेकफास्ट। तो यहाँ से बाइकर भी जा रहे हैं, तो हम लोग बैठे थे इस बस में, ये बस जा रही है जोशीमठ। जोशीमठ जाने का मतलब ये बस आपका करीब लेगी 8 से 9 घंटा ऋषिकेश से। और रुद्रप्रयाग का हमने जो किराया दिया वो 300 रुपये पर हेड, मतलब हम लोगों ने किराया दिया है एक पर हेड के हिसाब से। तो ये बस है विश्वनाथ, काशी विश्वनाथ सेवा। तो ऐसे हिमगिरी एक्सप्रेस और काशी विश्वनाथ, ये दोनों बसें आपको मिलेंगी, और दोनों बसें आपको बहुत जल्दी पहुँचाएंगी, क्योंकि ये बसें बड़ी भी हैं और तेज़ भी चलती हैं। तो आप इनमें बैठ के जोशीमठ तक, गुप्त काशी तक, और ऊखीमठ ऐसे, और आपका ये गोपेश्वर, चमोली, कर्णप्रयाग, तो आप आराम से इन बसों में जा सकते हैं। ये आपको हरिद्वार और ऋषिकेश दोनों ओर से मिलती हैं। जिसमें जिस बस को मैं रुका था वो बस थी पूरी फुल, तो उसके बाद नेक्स्ट बस आई, फिर हमको 15 मिनट इंतजार करना पड़ा, और वो बस पनीर का है हम लोग का मिल गई थी। तो अभी हम लोग हैं तीन धारा में कर रहे हैं ब्रेकफास्ट, भाई कह रहा पनीर का पराठा, अनुराग और मैं आलू का पराठा खाएंगे दोनों। तो ये है, अभी हम ऋषिकेश से करीब 35 किलोमीटर आ गए हैं, अभी देवप्रयाग यहाँ से करीब है 12 किलोमीटर, और 12 किलोमीटर का हमको पहुँचना है रुद्रप्रयाग, वो भी 1 बजे तक, क्योंकि हमारा एक फ्रेंड वहाँ पर इंतजार कर रहा है। हमने 38 किलोमीटर कर्णप्रयाग, 72 किलोमीटर, और गैरसैन यहाँ से है 115 किलोमीटर। तो हम लोगों ने देवप्रयाग क्रॉस किया, और अभी हम लोग पहुँचने वाले हैं श्रीनगर। श्रीनगर का भी अभी 10 किलोमीटर और है यहाँ से इसकी दूरी, और बस चलने में लगी है, आप बस रोक के चला रहे हैं, तो
सवारी बैठ बैठ के। तो अभी हम लोग 11 बजे हैं, तो हम लोग को वहाँ पहुँचने लगा था करीब 12 या 12:30 बजे हमको नदी एकदम पहुँचे। आते हैं श्रीनगर से आगे रुद्रप्रयाग रास्ते में, तो माँ देवधारी देवी का मंदिर यहाँ पर स्थित है, तो आप यहाँ भी दर्शन कर सकते हैं। इन्हें केदारनाथ और बद्रीनाथ और गंगोत्री यमुनोत्री चारों धाम की मतलब की रक्षा करने वाली देवी है ये, क्योंकि नदी में इनका बना हुआ मंदिर है। तो यात्री मिल चुके हैं हमको रुद्रप्रयाग में, ये देखो सीट कहोगे तो बैठेगा नहीं। ये टीवीएफ का वही गंजा है जो हमारे साथ आज जा रहा है, टीवीएफ वाला गंजा ना। मैं तो दीपक लाल बन जाता हूँ। और साथ में हमारे साथ है शैडो, शैडो भी यात्रा में जा रहा है। तो हम लोग यहाँ पर पहुँच गए हैं आपके रुद्रप्रयाग में, तो यहाँ पर जूस पी रहे हैं, मैंगो शेक वगैरह। हमने गाड़ी खड़ी है पिंकू की, तो अब हम यहाँ से यात्रा करेंगे इस गाड़ी में, उसके बाद बनाएंगे ब्लॉग। हम बस से आए थे ऋषिकेश से लेके यहाँ तक अभी, अब इससे आगे ब्लॉग बनाएगा हस्की, मतलब हस्की है और नाम सेटर है उसका, तो उसके साथ ब्लॉग बनाते हुए देखते हैं। तो हम लोग ने रुद्रप्रयाग अगस्त मुनि तिलवाड़ा ये सब कुछ क्रॉस कर लिया है। तो हम देखिए पूरी रोड में सन्नाटा है, केदारनाथ वाली रोड पे अभी हम लोग चल रहे हैं, किनारे मंदाकिनी नदी बह रही है। तो मतलब पूरा रास्ता हमने क्रॉस किया है, गाड़ी अभी ख़त्म हो गई है केदारनाथ में, जो बीच में लैंडस्लाइड हुई है उसकी वजह से केदारनाथ यात्रा रुक गई है, तो उसकी वजह से पूरा रास्ता अभी हमारा पूरा खाली है। और एक भी मतलब ना गाड़ियाँ, बहुत कम मात्रा जो लोकल के लोग हैं उनकी गाड़ियाँ दिखाई दे रही है, मतलब जिस हिसाब से टूरिस्ट आते थे वो टूरिस्ट नहीं आ रहे। तो बिलाल भाई साहब बैठे हुए ऐसे देखो नीचे आराम करके, तो ये बगल में बैठे बैठे मतलब आगाह करते जा रहे हैं गाड़ी चलाने के लिए, और ये बैठे हुए सब लोग पीछे बातें चल रही हैं और हम ब्लॉग बनाना भूल गए इस चक्कर में। तो ब्लॉग अगस्त मुनि से मतलब आगे आके हम लोग ब्लॉग बनाना स्टार्ट किया है वापस। लोग कितना टाइम हो गया, कितना टाइम हो गया, ढाई तो 2:30 बज गए हैं और हम लोग पहुंच गए हैं ऊँची मठ में। मस्त धूप आई हुई है, जिस हिसाब से अलर्ट था ना, कौन सा अलर्ट दिखा रहा था कल मेरे को, ये वेदर अलर्ट दिखा रहा था, येलो अलर्ट, मतलब पता था भयंकर बारिश होने वाली है वैसा था। लेकिन आज मौसम बहुत अच्छा है, कल और परसों भी ऐसे रहे तो और अच्छा रहेगा। तो फिलहाल हम लोग ऊँची मठ में हैं, ऊँची मठ से हमको जाना है रांची, जो है 25 किलोमीटर है। अगर आप आएंगे तो आपको यहाँ से शेयरिंग टैक्सी वहाँ के लिए डायरेक्ट मिल जाएगी, और यहाँ से चौपता के लिए भी डायरेक्ट मिल जाती है ऊँची मठ से, मतलब कुछ 100 रुपये सवारी है या 150 रुपये सवारी है, ऐसा कुछ रेट रहता है। या फिर आप अपनी टैक्सी बुक करके भी यहाँ से जा सकते हैं आराम से। तो आपको अगर चौपता जाना है या सारी विलेज जाना है या आपको देवरियाताल जाना है, तो आपको ऊँची मठ आना होगा। ऊँची मठ में ही श्री केदारनाथ जी और मधमहेश्वर जी की डोली आती है जब उनके कपाट बन जाते हैं। तो आपको अगर कभी दर्शन करने हैं तो ऊँची मठ मंदिर में भी आके आप दर्शन कर सकते हैं। तो अभी हम लोग हैं फिलहाल रुद्रप्रयाग के ऊँची मठ में, तो आगे हमारी गाड़ी इधर खड़ी हुई है। और शैडो ने पानी पी लिया है पूरा, और शैडो अभी थोड़ा फ्रेश हो गया। तो अब हम लोग जा रहे हैं यहाँ से ऊपर की ओर को, और वहाँ जाके देखेंगे होटल वगैरह की कैसे हैं, क्या रेट है, वहाँ जाके पता चलेगा। अभी हमको कुछ मालूम नहीं उसके बारे में, तो आगे मिलते हैं आगे और दिखाते हैं आपको यहाँ से रांची का रास्ता। ये देखिए कितना खूबसूरत और बेहतरीन रास्ता है, मतलब अभी हम लोग को रांची विलेज करीब आपका 16 किलोमीटर और जाना है। तो ये देखिए खूबसूरत से गाँव है रुद्रप्रयाग के, धतूरे के बहुत ऑरेंज कलर के फूल भी यहाँ पर खिले हुए हैं। ये देखिए पूरा खेत है, मडवे के खेत हैं,
यहाँ पे लगे हुए, और ऊपर देखिए क्या व्यू दिखाई दे रहा है। सामने वाला जो पहाड़ है वो केदारनाथ वाला है, उधर की यात्रा आज बंद है, तो लोग मोस्टली आ रहे हैं तुंगनाथ में और आपका मध महेश्वर और रुद्रनाथ वाला ट्रैक कर रहे हैं। अभी जो लोग मतलब केदारनाथ नहीं जा पा रहे हैं, तो यहाँ भी भीड़ काफ़ी है, ऐसा नहीं कि भीड़ नहीं है। तो जो रास्ते का व्यू है वो है काफ़ी खूबसूरत। आप देखो सामने वाला पहाड़ कितना प्यारा है, नीचे यहाँ पर नदी बह रही है। तो हम लोग यहाँ पर आए थे, जा कर रहे थे, और ये देखिए सामने वाटरफॉल, ये गाड़ी खड़ी हुई है, इधर सामने भी वाटरफॉल है, मतलब बेहतरीन नज़ारा है, बेहतरीन। आप अगर आप बोलोगे ना, ये देखिए ऊपर तक इतना प्यारा नज़ारा है, ये देखो इतना प्यारा नज़ारा है, ये देख इतना खूबसूरत है। बहुत सारे लोग इधर भी आ रहे हैं मधमेश्वर ट्रैक करने के लिए, तो वो लोग भी आ रहे हैं, हम लोग इससे थोड़ा मज़ा कर रहे थे, थोड़ा शैडो को सुसुक आई थी, तो शैडो वहाँ आराम से घूम रहा, पानी देख के बड़ा खूबसूरत है। और कैसा लग रहा है मौसम? बहुत बढ़िया। तो ये है कुछ सामने का नज़ारा। तो यहाँ पर हम लोग पहुँच गए हैं रांसी विलेज, अभी बजे हैं शाम के करीब 4, तो 4 बजे हम लोग पहुँचे हैं। तो भाई लोग सामान निकाल रहे हैं, सामने का नज़ारा कुछ ऐसा है, वाटरफॉल आप देख सकते हैं, नीचे बह रहे हैं खूब सारे, ऊपर आसमान देखिए, बादल बिल्कुल घने घने। वो सामने उस वाले मोड़ के बाद हम लोग को मधमेश्वर का ट्रैक स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे रसोई है भाई साहब की, तो हम लोग रुके हैं यहाँ पे कोमल गेस्ट हाउस में। तो कोमल गेस्ट हाउस है, तो ये मैं आपको रूम्स अंदर से दिखा दूँ, तो ये रूम्स हैं रहने वाले, ठीक है, ये भी रूम्स हैं रहने वाले। तो यहाँ पर खाली रहने के लिए है, और ये आपका 500 रुपीज़ मतलब एक रूम का चार्ज है, क्योंकि अभी ऑफ सीजन है, तो इसलिए क्योंकि बरसात के टाइम में, और यहीं आपका कॉमन वॉशरूम रहेगा इतने सारे लोगों के लिए, मतलब सब लोग को यही नंबर ला के जाना पड़ेगा। यहाँ पर आपका डाइनिंग हॉल है, तो यहाँ पर से ये देख रहा है कि मेरे लिए खाना कब बने और मैं खाना कब खाऊँ। तो इसके लिए अभी चावल बनना है, तो इसको सुबह से भूखा हुआ है, मैं सुबह खा के आया था, तो अभी दिन में पानी पी रहा है, तो अभी आएगा, ठीक है, अभी आएगा, ठीक।